स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 6 इन योर ईवीएस बुक. सो ओपन पेज नंबर 29. द चैप्टर नेम इज कम्युनिटी ईटिंग. ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर ऑन स्पेसिफिक ओकेजन. जब ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मीन्स अधिक संख्या में लोग ईट टुगेदर साथ साथ खाते हैं ऑन किस पर स्पेसिफिक ओकेजन मीन्स विशेष अवसरों पर. जब बड़ी संख्या में लोग विशेष अवसर पर एक साथ खाते हैं. इट इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग. इसको क्या कहा जाता है? कम्युनिटी ईटिंग कहा जाता है. इट टीचेस अस इक्वलिटी एंड मेक्स अस फील अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. और यह हमें क्या सिखाती है? इक्वलिटी मीन्स समानता. एंड मेक्स अस फील, और हमें यह महसूस करवाती है कि हम पार्ट ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय या समाज, कि हम एक समाज का भाग हैं. ओके, वेडिंग फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज आर अ फ्यू ओकेजन्स ऑन विच पीपल ईट टुगेदर. और वेडिंग फेस्टिवल और बर्थडे पार्टीज कुछ ही अवसर होते हैं जिसमें कि लोग साथ साथ खाते हैं. हेयर, यहाँ पर मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग आर नोन एज ईच अदर एंड आर इन्वाइटेड बाय द होस्ट फॉर अ मील. और यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो अतिथि मतलब इन्वाइट करते हैं. ओके, द हॉस्ट फॉर ए मील, भोजन के लिए किसको आमंत्रित करते हैं? अतिथि को. ओके, फूड इज सर्व्ड इन एन ओपन ग्राउंड. यस, जो फूड है वो कहाँ परोसा जाता है? खुले मैदान में. बैंक्वेट हॉल, जिसको क्या बोलते हैं? बैंक्वेट हॉल. और कम्युनिटी सेंटर, या फिर उसको कम्युनिटी सेंटर भी कहते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड अ विद यूटेंसिल्स बाय मैनी कुक्स. और यह जो भोजन होता है वो अधिक मात्रा में बड़े बर्तनों में और कई लोगों के द्वारा बनाया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक हियर. कम्युनिटी मील्स. अपार्ट फ्रॉम सोशल ओकेजन्स देयर आर सम अदर ओकेजन्स व्हेन मैनी पीपल ईट टुगेदर. और जो कि जो सामाजिक जो अवसर होते हैं, ओके, वहाँ बहुत कुछ ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर कि जब लोग मैनी पीपल ईट टुगेदर, जब जहाँ पर कि लोग एक साथ खाना खाते हैं. दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी मील्स. इसको क्या कहा जाता है? सामुदायिक भोज कहा जाता है. दे आर नॉट होस्टेड बाई एन इंडिविजुअल बट बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजिंग द प्लेस वेयर द मील्स आर सर्व. और यह कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को बुलाता नहीं है. ओके, बल्कि जो विभिन्न जो संगठन होते हैं वो इसका भोजन की एक स्थान पर व्यवस्था करते हैं जहाँ पर कि मील्स आर सर्व, जहाँ पर वो भोजन परोसा जाता है. मीन्स ये किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि सब लोग मिलकर के जो आयोजन करते हैं, ओके, वो भोजन का आयोजन करते हैं. नेक्स्ट, गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स. लंगर इज अ फ्री मील सर्व इन गुरुद्वारा एंड भंडारा इज सर्व इन अ टेम्पल. जो लंगर है वो मुफ्त का भोजन होता है जो कहाँ पर सर्व किया जाता है? गुरुद्वारे में. और जो भंडारा है वो कहाँ सर्व किया जाता है? मंदिरों में. ओके, पीपल ऑफ ऑल रिलीजियन सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर एंड ईट. और जो भंडारा और जो लंगर होता है उसमें क्या होता है? जो सभी धर्म के जो लोग होते हैं, ओके, ऑल रिलीजियंस, सभी धर्म के जो लोग होते हैं सिट टुगेदर, एक साथ बैठते हैं. ऑन द फ्लोर एंड ईट, फर्श पर एक साथ बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं. फूड इज कुक्ड एंड सर्व्ड बाय वॉलंटियर्स. इट इज सर्व्ड ऑन प्लेट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव्स कॉल्ड पत्तल. और जो भोजन होता है वो वॉलंटियर्स मीन्स होता है श्रम सेवकों द्वारा सर्व किया जाता है. इट इज सर्व्ड, और किसमें परोसा जाता है ये भोजन? ऑन प्लेट्स, प्लेट्स में, मेड ऑफ ड्राइड लीव, जो किसकी बनी होती है? सूखी पत्तियों की बनी हुई होती है. कॉल्ड पत्तल्स, उनको क्या कहा जाता है? पत्तल कहा जाता है. और जो लंगर और भंडारा होता है वहां पर जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, वो भोजन परोसने का काम करते हैं और सभी धर्म के लोग एक साथ भोजन फर्श पर बैठकर खाते हैं. और जो उनको भोजन परोसा जाता है वो किसमें? प्लेट्स में परोसा जाता है, जिसे जो सूखी पत्तियों की बनी होती है उसे पत्तल कहा जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट टर्न पेज. ओनली वेजिटेरियन फूड इज सर्व इन लंगर एंड भंडारा. और जो लंगर और जो भंडारा होते हैं उनमें केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है. नेक्स्ट, हॉस्टल्स. मैनी चिल्ड्रन स्टडी इन अ हॉस्टल और अ बोर्डिंग स्कूल विच इज अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स स्टडी एंड स्टे विद अदर चिल्ड्रन. जो हॉस्टल
और जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं वो स्टडी करने के लिए आते हैं। ओके, बीच इज स्कूल वो एक स्कूल होता है वह जहाँ पर स्टूडेंट स्टडी बच्चे एक साथ स्टे पढ़ाई करते हैं और साथ में रहते हैं वी अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों के साथ। जो हॉस्टल होता है वहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाई करते हैं और रहते हैं। दे आर सर्व्ड देयर मील इन अ कॉमन डाइनिंग हॉल एट फिक्स्ड टाइम। और वहाँ पर क्या किया जाता है जो उनका जो भोजन होता है वो सर्व किया जाता है। ओके, इन ए कॉमन डाइनिंग हॉल, एक कॉमन डाइनिंग हॉल होता है उसके अंदर एट फिक्स्ड टाइम एक निश्चित समय में और एक निश्चित